सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख ना, तो इनमें मरने का काम है। क्यों चुना नहीं जाएगा ऋतिक रोशन को? क्या ऋतिक रोशन मान लेंगे हार? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉली ग्रैंड स्टूडियो। मैं पूजा मुड़े आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ फाइटर फिल्म से जुड़े कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको भी पता चले कि आखिर फिल्मी दुनिया में पक क्या रहा है। वैसे हम हमेशा जो देखते हैं वो सच नहीं होता। जो चीज जितनी ज्यादा चमकती है वो चीज उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है। और वैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो ग्लैमर दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, उसके पीछे काफी कहानियां छुपी होती है। अब ऋतिक रोशन की बॉडी देखकर तो सभी को ऐसा लगेगा कि ये काफी अच्छा डाइट लेते होंगे या फिर इनके पास तो काफी पैसा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दूं कि ऋतिक रोशन बचपन से ही काफी मुश्किलें झेल कर बड़े हुए हैं। ऋतिक रोशन स्कोलियोसिस नाम के डिसऑर्डर से बचपन से ही गुजर रहे थे। अगर आपको ये डिसऑर्डर के बारे में पता नहीं होगा तो ये डिसऑर्डर में जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो डैमेज होता है, और अगर ये स्पाइनल कॉर्ड डैमेज निकल जाता है तो हम कुछ एक्टिविटीज नहीं कर सकते, और उन एक्टिविटीज में शामिल होते हैं स्टंट और डांसिंग। और हमें तो पता है कि स्टंट और डांसिंग ये ऐसी एक्टिविटीज है जो बॉलीवुड इस पर ही चलता है। तो ऐसे में अगर यही एक्टिविटीज अलाउड ना हो तो बॉलीवुड कैसे चल पाएगा और ऋतिक रोशन फिल्म में कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि मोस्टली ऋतिक रोशन इन्हीं चीजों के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि ऋतिक रोशन ने उनके फैंस के लिए सलाह दी है। एक वीडियो में वो ये कहते हुए दिखते हैं कि किसी को बताना मत कि मेरी जैसी बॉडी बनाने में इतनी मेहनत लगती है, इतना दर्द झेलना पड़ता है, वरना कोई बॉडी बनाएगा ही नहीं। अगर हम वॉर फिल्म को देखें तो उसमें उनकी बॉडी काफी ज्यादा सेक्सी नजर आती है, और ऐसी बॉडी बनाने के पीछे इतनी सारी मेहनत लगती है। वेल, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने अपने कल के थियरी में आपको फाइटर फिल्म के बारे में बताया कि कैसे ऋतिक रोशन को वार्निंग मिलती है बहुत ही डेंजरस स्टंट करने के लिए फाइटर टीम से। दरअसल ऋतिक रोशन को बचपन से ही शौक रहता है प्लेन उड़ाने का, क्योंकि उनके पिता भी पायलट होते हैं, लेकिन वो एक जंग में शहीद हो जाते हैं। कुछ ऑफिसर्स और पायलट्स का ये कहना होता है कि ऋतिक के जो पिता है वो खुद की गलती से शहीद हुए हैं, लेकिन ऋतिक रोशन को ये प्रूफ करना रहता है कि वो खुद की गलती से नहीं बल्कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए शहीद हुए हैं। एक दिन फाइटर टीम को कॉल आता है कि दुश्मनों के इलाके में आर्मी के कुछ सोल्जर्स फंस गए हैं और उन्हें निकालने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ पायलट्स को प्लेन लेकर भेजिए। तो ऐसे में पूरी फाइटर टीम काम पर लग जाती है और अपने सबसे काबिल पायलट्स को भेज देती है मिशन पर। तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल आएगा कि इसमें ऋतिक रोशन या फिर उनके दोस्त का नाम क्यों नहीं आया? तो आपको बता दूं कि ये दोनों को सिलेक्ट नहीं कर दिया जाता है मिशन के लिए, क्योंकि फाइटर टीम को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो ऋतिक रोशन को मिशन पर भेजेंगे तो उनके लिए काफी रिस्क रहेगा। ऋतिक रोशन की बस एक ही गलती की वजह से फाइटर टीम उन्हें मना कर देती है मिशन पर जाने से। तो अब आपको क्या लगता है कि ऋतिक रोशन अगला कौन सा कदम उठाएंगे? क्या वो छुपके से मिशन पर चले जाएंगे? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो चलिए जल्दी मिलते हैं और नए गॉसिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।